बिग बॉस के घर में अर्शी खान एक दमदार कंटेस्टेंट बनकर उभरी हैं। घर में आग लगाने के अलावा अर्शी अपनी नाइटी को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। साथ ही हितेन के साथ उनकी केमिस्ट्री भी दर्शकों को खूब हंसाती है। हितेन उन्हें नागिन कहकर पुकारते हैं, लेकिन अर्शी इसका बुरा नहीं मानती। ये तो हर कोई जानता है कि हाल ही में अर्शी ने बिग बॉस के घर में विकास और हितेन के आगे एक खुलासा करते हुए कहा था कि उनके दादा बहुत ठरकी थे और उन्होंने 18 शादी की थी। वहीं अब अर्शी ने शिल्पा से एक किस्सा शेयर करते हुए बताया है कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने एक बार सबके सामने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। अर्शी ने कहा, मैं भोपाल के एक हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी का काम करती थी। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेकर काफी इनसिक्योर रहता था। वो पूरा टाइम मेरे हॉस्पिटल के बाहर से मुझ पर नजर रखता था। अर्शी ने आगे कहा, वो बारिश के समय भी बाहर ही खड़ा रहता था। एक दिन बहुत गर्मी थी और हॉस्पिटल में किसी डिपार्टमेंट में ही एसी लगा था। गर्मी की वजह से मुझे बहुत पसीना आ रहा था। तभी मेरा बॉयफ्रेंड आया और मुझे देखते ही पेशेंट्स के सामने थप्पड़ मार दिया। पसीने से भीगी अर्शी को थप्पड़ मारने के बाद उनका बॉयफ्रेंड बोला, तू सोकर आ रही है वहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट से। ये सुनकर शिल्पा हैरान रह गई। साथ ही उन्होंने अर्शी से पूछा कि फिर तुमने उसे थप्पड़ नहीं मारा? तब अर्शी कहती है कि नहीं, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बिग बॉस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।